उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया ये वो इंडिया नहीं रहा कोई भी इन केस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है कश्मीर के अंदर कुछ करता है वो जिस मुल्क का भी हो हम उस मुल्क को जवाब देंगे सो वी हैव मेड इट वेरी वेरी क्लियर टूडे दट एनी थ्रेट ऑफ टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम्स फ्रॉम पाकिस्तान विल गेट द अप्रोप्रियट रेस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया कहते हैं पाकिस्तान में मारा गया भारत का एक और दुश्मन जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी मुफ्ती फैयाज ढेर कर दिया गया है अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में मौत के घाट उतार दिया इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है उनका कहना है कि भारत के पास ट्रेंड किलर्स रॉ के पास ट्रेंड किलर्स है इक्कीस ऐसी बाईस लोगों की टारगेट किलिंग हुई है फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कैनेडा के साथ जोड़ा कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी रॉ का एक सिस्टम है इनका यह कहना ये, है पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ से फोन जाता है नई दिल्ली से कि उसको पड़का दो मोहम्मद तो का आतंकी मुफ्ती फयाज पाकिस्तान में मारा गया ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर सपोर्टर्स थे टेररिज्म के जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके दोस्तों आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये कहा है कि देखें हमने 26 ग्यारह का क्या जवाब दिया पाकिस्तान को बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि दिस इज अ न्यू नॉर्मल जो हम सेट करने जा रहे हैं फॉर पाकिस्तान आ, आपको पता है कि कल फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे एस सी ओ उनकी मुलाकात हुई उधर सेंट्रल एशिया में एंड डॉक्टर जय शंकर वहां नहीं गए एक डिप्लोमेट को भेज दिया कजाकिस्तान के अंदर एक डिप्लोमेट को भेजा और तासुर ये दिया कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है विच इज चाइना लेड हम इसको वैल्यू नहीं देते आप डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग देख रहे हैं ये है डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग इंडिया, उसकी आ, इंडिया की इंडिया डिप्लोमैटिक सिग्नलिंग कर रहा है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड के हमारा चाइना से कोई ताल्लुक नहीं है हम उनके डिप्लोमैटिक फोरम्स को वैल्यू नहीं दे रहे वो क्यों इंडिया ये कह रहा है इंडिया इसलिए कह रहा है बिकॉज इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एट द जी सेवन सो द इंप्रेशन इज के भाई साहब हम तो वहां पे नहीं गए चाइना को पैगाम दे दिया कोई परवाह नहीं है इंप्रेशन ये है कि बता दिया वेस्टर्न हो वाले को कोई टेंशन नहीं है और घर में जारी बात है पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है डॉक्टर जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डॉक्टर जयशंकर मीडिया वॉरफेयर जो है ना उसके सिपाही हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के मीडिया वॉरफेयर के इस वक्त टोटल जो मीडिया के ऊपर जो एक इंप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है या मीडिया के ऊपर जो सारे का सारा जो तासुर आ रहा है कि मीडिया को जो ट्रेन किया जा रहा है या मीडिया को बताया जा रहा है या वोटर्स को बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि लुक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कितने आ, उनकी क्या पॉलिसी है सो डबल सिग्नलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से वो ये तासुर दे रहे हैं कि अब अगर दोबारा अब अगर दोबारा कोई वाकयात हुए तो हम पाकिस्तान के अंदर वो जिसे कहते हैं ना बीजेपी स्टाइल अल्फाज है घुसके मारेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत तो आपको पता है ज़्यादातर इतना टाइम नहीं देती इन चीज़ों को या पाकिस्तान की हुकूमत इन चीज़ों को जवाब नहीं देती वो समझते हैं ये कोई ज़रूरी चीज़ें नहीं है पाकिस्तान को पता है कि अगर हम इस, इस इन चीज़ों में जाते हैं तो हमारे हमें यहाँ पे बड़ा डीप इन्वॉल्व होना पड़ेगा सो जय शंकर हो जय शंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं अमित शाह फुल हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं एंड डॉक्टर जय शाह इंग्लिश के अंदर इंटरनेशनल ऑडियंस एंड भारत की जो एजुकेटेड मिडल क्लास है या अपर क्लास है उसको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या विजन है और नरेंद्र मोदी का क्या व्यू है जब इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हाँ हमने बंदे जो हैं वो घुसके मारे हैं या मारेंगे या जो बंदा इंडिया के अंदर कोई काम करेगा हम उसको फॉलो करेंगे वो जहाँ भी होगा या उसका उनका मतलब ये था कि कोई भी इन इनकेस अगर इंडिया के अंदर कुछ करता है कश्मीर के अंदर कुछ करता है वो जिस मुल्क का भी हो हम उस मुल्क को जवाब देंगे और हम घुसके मारेंगे सो so, डॉक्टर जयशंकर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में वही बातें कर रहे हैं के 26 ग्यारह को हमारा जवाब आपने देखा उली कोर्ट में, वो वो एक एक इन्होंने टोन सेट कर दी है और पाकिस्तान की लीडरशिप तो साइलेंट है मैं आपको बात बताऊं पाकिस्तान की लीडरशिप के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं लोग मारे गए हैं उनके ऊपर चार्ज लगे थे सीरियस टेरर ऑफेंसेस या फिर जो सिख सेपरेटिस्ट थे इनका मतलब है खालिस्तानी जो सपोर्टर्स थे टेररिज्म के जिन्होंने जो अलगाववाद सपोर्ट करते थे उनको एक एक करके चुन चुन करके भारत पहले मैं आपको बात बता दूं खबर बिल्कुल गलत है ठीक है मीम्स बनते हैं अज्ञात हैं अननोन पीपल अननोन गनमैन ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बताता हूं इंडिया ऐसा नहीं करता है दोस्तों ये जो हमारा देश है ना भारत ये गौतम बुद्ध का देश है यह महात्मा गांधी का देश है अहिंसा का देश है हम लोग ऐसा बिल्कुल काम नहीं करते हमने जब भी लड़ाई लड़ी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ी है हम किसी को जाके किसी के देश में नहीं मारते दोस्तों मैं आपको प्रूव कर देता हूं आपको लगता है मैं गलत बात बोल रहा हूं यह देखिए मेजर झूठ नहीं बोलता यह देखिए यह पांच रुपए का नोट है गांधी बाबा की इसमें फोटो बनी है ठीक है जो कि अहिंसा के पुजारी है अब पाकिस्तान में नोट देखो पाकिस्तान का जो नोट है पाकिस्तान के नोट के अंदर ड्रेगोला की फोटो बनी हुई है डोंट माइंड पाकिस्तानी मैं सच बोल देता हूं तुम्हारे अंदर ड्रैकुला की फोटो बनी है खून चूसने वाला ड्रैकुला हमारे गांधी बाबा की फोटो बनी है सो वी आर अ पीस लविंग पीपल हम कभी किसी को नहीं मारते हम लोग ये काम करता ही नहीं कोई एजेंसी नहीं करती मैं आपको बता रहा हूं अरे यार भारत ने पुलवामा का बदला लिया बालाकोट में ठोक दिया जाके वो तो खुल के सब लोगों ने सराहना की उसकी सब लोगों ने सपोर्ट करा कहानी खत्म यार वी डोंट हैव एनी यार देखो मैं आपको बताता हूं ठीक है रॉक का फुल फॉर्म क्या है इट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि वो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग एनालिसिस करते हैं ठीक है यानी कि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है पहले तो इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं उसका नाम ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है यार वो नहीं करते ऐसा जो आप लोग समझते हैं कि भारत गया और भारत ने इसको मार दिया उसको मारा नॉट एट ऑल वेर आर अ पीस लविंग नेशन हमने कभी ऐसा करा ही नहीं है पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है पुलवामा के बाद क्या हुआ कि मोदी सरकार का मूड बदल गया अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज पेपर यह कह रहे हैं मोदी सरकार का मूड बदल गया मोदी सरकार ने बोला जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है जहां पर भी छुपाओ दुनिया के किसी भी देश में निकालो ठोको अब ठीक है पाकिस्तान में ज्यादा छुपे तो वहां पर ज्यादा ठुक गए ऐसा इसका कहना है यह गलत है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई मैं आपको बता सकता हूं जैसा मैंने बोला गांधी का देश है यार गलत कह रहा हूं मैं हमारा जो देश है गांधी का देश है हमारा गौतम बुद्ध का देश है हम लोग ऐसे काम नहीं करते बिल्कुल नहीं करते हम लोग ऐसे काम ये कह रहे हैं साहब कि इन्होंने यूएई में काम करा है इंडियन इंटेलिजेंस स्लीपर सेल्स यूएई में काम करा है इन्होंने लोकल क्रिमिनल और जिहादियों को रिक्रूट कराया